नमस्ते एवरीवन। जैसे कि तुम सब लोगों को पता है कि होमोजेनियस फंक्शंस में टोटल पांच टाइप के क्वेश्चंस होता है, जिनमें से एक या दो टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। अब क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्टली जंप करता है, इफ़ यू इज इक्वल टू दिस, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अब सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन होमोजीनियस फंक्शंस का क्वेश्चन है? अब जो भी हमें प्रूव करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ये दिख रहा है। अब इसको फर्स्ट ऑर्डर यानी कि इसके साथ, या तो सेकंड ऑर्डर यानी कि इसके साथ, दोनों में से किसी के साथ भी तुम्हें कंपेयर करना है। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ और ये चीज़ मैच कर रही है तो इसका मतलब वो होमोजेनियस फंक्शन का क्वेश्चन है। अब ये और ये मैच कर रहा है तो इसका मतलब ये होमोजेनियस फंक्शन का क्वेश्चन है और हमें इसी मेथड से उसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते से ही हमें ये तो पता चल गया कि ये होमोजेनियस फंक्शन का क्वेश्चन है, और हमें ये भी पता चल गया कि होमोजेनियस फंक्शन के अंदर वो फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है। बट जो चीज़ हमें नहीं पता चली अभी तक वो ये है कि इसके अंदर वो नॉट अ फंक्शन का क्वेश्चन है या ये सब फंक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। वो हमें तभी पता चलेगा जब हम इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे, तभी पता चलेगा, ठीक है। तब मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे पता करते हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख देंगे। क्या गिवन है? U इज इक्वल टू दिस साइन इनवर्स, जो गिवन है वो लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करना होता है, जो होमोजेनियस फंक्शन का स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, और वो है x इज इक्वल टू एक्स टी और y इज इक्वल टू वाई टी। यहाँ पे लिखो पुट, ठीक है। अब यहां पे पुट कर दो, सो इनवर्स x 1 अपॉन 4 टी 1 अपॉन 4 आई मीन रेज टू प्लस y रेज टू 1 अपॉन 4 टी रेज टू 1 अपॉन 4 अपॉन x रेज टू 1 अपॉन 5 टी रेज टू 1 अपॉन 5 प्लस y रेज टू 1 अपॉन 5 एंड टी रेज टू 1 अपॉन 5, राइट। नाउ हम आगे पढ़ेंगे, सो आगे कैसे पढ़ेंगे? अब यहाँ पे थ्री रेस टू वन अपॉन फोर कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे भी थ्री रेस टू वन अपॉन फाइव कॉमन ले लेंगे, एंड इट वुड बी साइन इनवर्स, एंड इट वुड बी थ्री रेस टू वन अपॉन फोर, राइट, एंड हियर वुड बी थ्री रेस टू वन अपॉन फाइव, राइट। ये कर देंगे लाइक पार्टीशन ऑल दैट। सो यहाँ पे आएगा कि एक्स रेस टू वन अपॉन फोर प्लस वाई रेस टू वन अपॉन फोर, एंड नीचे आएगा x रेज टू 1 अपॉन 5 प्लस y रेज टू 1 अपॉन 5 एंड ब्रैकेट क्लोज, ओके। सो हम थोड़ा सा आगे और ज़्यादा सॉल्व करेंगे। अगर ये t रेज टू 1 अपॉन 5 अगर ऊपर चले गए, इट वुड बी t रेज टू माइनस 1 अपॉन 5, एंड इट वुड बी t रेज टू 1 अपॉन 4 एंड t रेज टू माइनस 1 अपॉन 5। सो दोनों का एडिशन होगा, दैट वुड बी t रेज टू 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 5, सो 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 5 माइनस 4 अपॉन 20, इट वुड बी 1 अपॉन 20। सो इसका क्या होगा? इसका होगा सी साइन इनवर्स टी रेज टू 1 अपॉन 20, राइट, एंड ये एक्स रेज टू 1 अपॉन 4 प्लस वाई रेज टू 1 अपॉन 4 एंड x raised to 1 upon 5 plus y raised to 1 upon 5, right? And bracket close. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वो पॉइंट है जहाँ पे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन इसके अंदर इसका क्वेश्चन है या इसका क्वेश्चन है, ठीक है। अब जब ऐसा सिचुएशन आता है तुम्हें क्या करना है, ये साइन इनवर्स जो है वो बाहर निकालना है, ठीक है। सो इट वुड बी, बाहर क्या है, यू, सो इट वुड बी साइन यू, मतलब u इज इक्वल टू ये सब था ना, u इज इक्वल टू ये सब है, राइट। सो इट वुड बी साइन u, क्योंकि साइन इनवर्स उधर चले गया, इट वुड बी साइन u इज इक्वल टू t रेज टू 1 अपॉन 20, मतलब इस t रेज टू 1 अपॉन 20 को खुला करना है, ओके। और जब तुम ऐसा करते हो तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ही ये निकलता है कि ये क्वेश्चन एक फंक्शन का क्वेश्चन है, मतलब यस अ फंक्शन का क्वेश्चन है। इसीलिए मैं यहाँ पे टिक मार्क करता हूँ, क्योंकि अभी ये हमारा ये टाइप हो चुका है, ठीक है, मतलब इस वीडियो में। बाकी के वीडियोस में हम बाकी के टाइप्स कवर करने वाले हैं, प्लेलिस्ट बन चुके हैं, ठीक है, हर एक टाइप कवर्ड है। यहाँ पे आई बटन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और पूरे के पूरे सब्जेक्ट का भी प्लेलिस्ट बन चुका है मैथ्स का। तुम्हारा जो सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो उसका भी लिंक प्लेलिस्ट का आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे
x raised to 1 upon 4, वही कहानी 1 upon 4 and upon x raised to 1 upon 5 plus y raised to 1 upon 5, right? उसके बाद अब यहाँ पे तुम्हें पता चल चुका है कि ये क्वेश्चन इसके अंदर इसका क्वेश्चन है, राइट? सो अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, मतलब n फंक्शन ऑफ u, फंक्शन ऑफ f डैश u एंड सो ऑन, n फंक्शन ऑफ u एंड f डैश u की वैल्यू. सो फंक्शन ऑफ u की वैल्यू क्या आएगी, साइन u, ये जो होती है ये फंक्शन ऑफ u की वैल्यू होती है. n की वैल्यू क्या आएगी, n इज इक्वल टू 1 अपॉन 20, ये जो होता है t रेस टू जो भी होता है वो n का वैल्यू होता है. और f डैश u का वैल्यू क्या आएगा, साइन u को बस एक बार u के साथ डिफ्रेंशिएट कर दो. सो अगर साइन u को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू u, इट वुड बी कॉस u, खत्म. अब ये वैल्यू निकल चुकी है, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है कि ये इसके अंदर इसका क्वेश्चन है, राइट? तो बस तुम्हें दिस इज इक्वल टू दिस सब्स्टिट्यूट कर देने का है, लिख देने का है एंड सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल देने का है, पॉइंट खत्म, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस की थोड़ी सी कमतरता है. अपॉन प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ यू आई मीन अपॉन एफ डैश यू, ठीक है? अब सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो एन का वैल्यू दैट इज 1 अपॉन 20, फंक्शन ऑफ यू दैट इज साइन यू अपॉन कॉस यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 टेन यू. ये था जो हमें प्रूफ करना है. अब एक बहुत ज्यादा भयंकर इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसके बाद तुम्हें पता तो चल जाता है कि ये क्वेश्चन इन चारों टाइप में से कौन से टाइप का क्वेश्चन है. और उसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मुलेज या नॉर्मल फॉर्मुलेज को सब्स्टिट्यूट करके आंसर्स निकालने पड़ते हैं. जैसे कि यहाँ पे साइन यू अपॉन कॉस यू टेन यू आ गया, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, राइट? ऐसे फॉर्मुले सब्स्टिट्यूट करके आंसर्स निकालने पड़ते हैं, जो भी यहाँ पे प्रूफ करना पड़ता है, जो भी यहाँ पे पूछा है वो प्रूफ करना पड़ता है विद द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मुलेज. अब हर एक टाइप का एक क्वेश्चन मैंने प्लेलिस्ट के अंदर कवर किया है, बट क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम अगर हर एक टाइप का बस एक ही सम सॉल्व करोगे तो तुम एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे? नहीं, राइट? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कर सकते हो बट बहुत मुश्किल है. इसीलिए अगर तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं तो तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अलग अलग एग्जाम्पल्स सॉल्व करने की ज़रूरत है. इसीलिए जो नोट्स मैंने तुम्हारे लिए बनाया है वो बेस्ट है. नोट्स में तुम्हें मल्टीपल सॉल्व एग्जाम्पल्स मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप, जिसकी मदद से तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होने वाली है. और अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करना है तो वो भी तुम अचीव कर सकते हो बहुत ही ज़्यादा ईजिली, ठीक है? तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और नोट्स परचेस करो. नोट्स मॉड्यूल वाइज और सब्जेक्ट वाइज है, तुम्हें जैसे परचेस कर रहे हैं वैसे कर सकते हो, ठीक है? आई वुड सजेस्ट सब्जेक्ट वाइज करो क्योंकि उसमें तुम्हें पूरा का पूरा सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है? सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो. मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा. और मेरे आजू बाजू दो प्लेलिस्ट आएंगे, एक मॉड्यूल वाइज प्लेलिस्ट है, एक सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है. तुम्हें जैसे पढ़ाई करनी है वैसे इन प्लेलिस्ट को चूज करो और पढ़ाई करने को चालू कर दो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.